हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम ESIC का ID डिटेल अपने मोबाइल में उमंग ऐप से कैसे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में उमंग का ऐप ओपन कर लेना है। बाद में यहाँ पर आपको ESIC पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर माय प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना लॉगिन कर देना है। यहाँ पर आईपी नंबर टाइप करना है। आईपी नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल जो ESIC से लिंक है उस पर एक OTP आएगा। तो वो OTP यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो OTP आ चुका है। तो यहाँ पर हम वो OTP टाइप कर देंगे। बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर अपना एम्प्लॉय नेम, बर्थ डेट, फादर नेम, मोबाइल नंबर, आधार, सब डिटेल देखने को मिल जाएगी। नीचे यहाँ पर आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फैमिली डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसमें भी नेम, एड्रेस और एज देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट करने में यहाँ पर आपको अदर डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इंश्योरेंस नंबर, डिस्पेंसरी एड्रेस, रजिस्ट्रेशन डेट और फर्स्ट अपॉइंटमेंट, वो सब डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप बैक करके यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर यू श्योर यू वॉन्ट लॉग आउट, तो यहाँ पर यस कर देना है। और फिर से यहाँ पर आपको माई प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉग आउट हो चुका है। यहाँ पर आपको फिर से अपना लॉगिन आईडी डालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप भी अपना ESIC डिटेल देख सकते हो। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।